भारत के सभी धर्मों की महिलाओं में प्रजनन दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्यू रिसर्च सेंटर की नई स्टडी के अनुसार भारत में महिलाओं की प्रजनन दर में पिछले 25 सालों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है और इनमें भारत के सभी प्रमुख धर्मों की महिलाएं शामिल हैं। इस रिसर्च सेंटर की नई स्टडी के अनुसार 1951 के बाद से देश की धार्मिक संरचना के मामूली बदलाव को देखने को मिला है। भारत की 1.2 अरब की जनसंख्या में 94% लोग हिंदू और मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके अलावा बाकी 6% लोग ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के हैं। प्यू सेंटर ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के जरिए से रिसर्च जारी की है। इस स्टडी में प्यू रिसर्च सेंटर ने देश की धार्मिक संरचना में बदलाव और इस बदलाव के कारणों को पता लगाने की कोशिश की है। साल 1947 में भारत का विभाजन हो गया था और साल 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी। साल 1951 में भारत की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। 10 साल पहले यानी कि 2011 में हुई जनगणना में भारत की आबादी बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ हो चुकी थी। इस दौरान हर धर्म की आबादी में वृद्धि देखने को मिली थी। साल 1951 से 2011 तक हिंदुओं की जनसंख्या 30 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ के आसपास हो गई। इसके अलावा मुस्लिम आबादी का साल 1951 से 2011 के बीच 3.5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के आसपास हो गई। वहीं ईसाइयों की जनसंख्या 80 लाख से बढ़कर लगभग 3 करोड़ हो चुकी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 14.2% है। जहां दुनिया के 94% हिंदू भारत में रहते हैं, वहीं इंडोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में बसती है। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के प्रजनन दर में भारी गिरावट। अगर प्रमुख धार्मिक समूह की बात की जाए तो मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर सबसे अधिक है। साल 2015 में प्रति मुस्लिम महिला औसतन 2.6 बच्चों को जन्म देती थी। इसके बाद हिंदुओं की प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 बच्चे, वहीं जैनों के बीच प्रजनन दर 1.2 सबसे कम। इस रिसर्च में कहा गया है कि अब भी पैटर्न काफी हद तक वैसा ही है जैसा साल 1992 में था। इस दौरान मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा 4.4 थी, वहीं इसके बाद हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 थी। हालांकि अब भारत के अलग अलग धार्मिक समुदायों के में बच्चे पैदा करने में अंतर आमतौर पर पहले की तुलना में बहुत कम हो चुका है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।